मेहंदीपुर के बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। घाटे वाले सब भक्तों के कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम मेहंदीपुर के बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। घाटे वाले सब भक्तों के कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मेहंदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार, मेहंदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार। राजस्थान, दौसा जिले में मेहंदीपुर बाबा का पावन धाम। दो पहाड़ियों के बीच में है ये अद्भुत सा मंदिर, सबके संकट हरने की शक्ति है इसके अंदर। अति मनमोहक दृश्य का भक्ति रस बरसे, भक्त इनके दर्शन करके। राम भक्त बजरंगी यहाँ पे बैठे हैं साक्षात, दुष्ट आत्माओं की पेशी लेते भैरोनाथ। भूत प्रेत तो सुन के नाम इनका घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। घाटे वाले सब भक्तों के कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मेहंदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार, मेहंदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार। जिसका नाम गणेश, बालाजी ने सपने में आ दिया उन्हें आदेश। हे महंत तुम मेरी सेवा को स्वीकार करो, करके पूजा इस स्थान की तुम साकार करो। कि स्वीकार महंत ने उनको जो आज्ञा दी है, तीन शक्तियां फिर तो आके यहाँ विराजी है। अद्भुत तीन शक्तियों का यहाँ पावन संगम है, माँ काली और भैरोनाथ यहाँ बालाजी हरदम है। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। घाटे वाले सब भक्तों के कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मेहंदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार, मेहंदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार। जी बालाजी की सेवा करे निरंतर, कटने लगे संकट भक्तों के इस दर पे आकर। दूर दूर तक फैली प्रसिद्धि इस दरबार की, मिटने लगी सब विपदा दुखिया इस संसार की। भूत प्रेत का साया जिस पे भी पड़ जाता है, मेहंदीपुर दरबार में वो तो टिक नहीं पाता है। पटक पटक के सर रोए जब पेशी आती है, बड़ी मुसीबत भी यहाँ आकर टल ही जाती है।
भक्तों के कष्ट मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। घाटे वाले सब भक्तों के कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार, मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार। जिन भक्तों की मनसा पूरी यहाँ पे हो जाए, दाल चूरमा सवा मणि का भोग कोई लाए। मेहदीपुर बालाजी का है अद्भुत रूप निराला, भव्य बड़ा मंदिर है और कई बनी धर्मशाला। उत्तम प्रबंध है रुकने का, सारी सुख सुविधाएं के दर्शन बालाजी का पुण्य भक्त कमाए। नीचे मंदिर बालाजी का, ऊपर माँ काली, माता को है भक्त बुलाते तीन पहाड़ी वाली। धन्य भाग यहाँ आकर भक्तों के हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। घाटे वाले सब भक्तों के कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार, मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार। अजर अमर है सदा सदा से बजरंगी हनुमान, पुरुषोत्तम श्री राम दिए हैं खुद इनको वरदान। सबसे पहले नाम राम भक्तों में आता है, भाई भरत के जैसा राम से इनका नाता है। बचपन से ही हनुमान श्री राम को भाए थे, बानर जब भोले संग अयोध्या आए थे। भोले जी ने हनुमान को ऐसा नाच नचाया, ये बानर तो मैं लूंगा श्री राम के मन में आया। लेकिन भोले बानर उनको ना दे पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। घाटे वाले सब भक्तों के कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार, मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार। श्री राम तो अड़ ही गए थे फिर अपनी जिद पर, बोले के मुझको लेना है बस वो ही बानर। कितने बानर जाने राजा दशरथ ने मंगवाए, लेकिन कोई बानर राम को पसंद नहीं आए। आखिर राजा दशरथ ने करी खोज और पड़ताल, बुलवाए हनुमान राम जी तभी हुए खुशहाल। नर के रूप में थी लीला ये तो श्री राम की, इच्छा थी मिलने भक्त से खुद भगवान की। जो बोले श्री राम वहाँ बजरंगी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। घाटे वाले सब भक्तों के कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मेह
मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार, मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार। लेके जब वनवास वन में प्रभु श्री राम पधारे, आए हैं हनुमान श्री राम के काज सवारे। मित्रता श्री राम की है सुग्रीव से करवाई, सिया खोजने बानर सेना सारी है लगवाई। लेकिन सागर बनकर बाधक रास्ते में आया, हनुमान को बल का याद कराया। विकसित हो गई काया आपकी बल की याद जो आई, लेकर के नाम राम का ऐसी छलांग लगाई। सौयोजन का सागर पल में लाख ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, घाटे वाले सब भक्तों के कष्ट मिटाते हैं। हम कथा सुनाते हैं मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार, मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार। घूसा मार लंकिनी मारी राह में जो आई, मुद्रिका श्री राम की सीता माँ को दिखलाई। माँ सीता को अति प्रसन्न हुई कर श्री राम को याद, रहो अजय सदा बजरंगी दिया है आशीर्वाद। लेके आज्ञा सीता माँ से लगे वो फल खाने, गाए सभी दुष्ट जो लगे थे टकराने। पता लगा रावण को कैसा बानर आया है, सब पहरेदारों को जिसने मार भगाया है। फिर रावण अपने पुत्र अक्षय को पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, घाटे वाले सब भक्तों के कष्ट मिटाते हैं। हम कथा सुनाते हैं मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार, मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार। फिर तो अक्षय को भी है एक पल में मार गिराया, सुनकर दुखी हुआ रावण और क्रोध बड़ा ही आया। मेघनाथ को भेज दिया है फिर तो रावण ने, लगे हारने हनुमान से लगे जो युद्ध करने। ब्रह्म पास फिर मेघनाथ ने हनुमान पे चलाया, हाथ जोड़ कर खुद फंस गए ब्रह्मा का मान बढ़ाया। रावण ने सोचा बानर को सबक सिखाऊंगा, पूछ ही प्यारी हो बानर को इसे जलाऊंगा। पूछ बढ़ा सारी लंका हनुमान जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, घाटे वाले सब भक्तों के कष्ट मिटाते हैं। हम कथा सुनाते हैं मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार, मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार।
रहे थे कर, मेघनाथ ने लखन पे छोड़े दिया था ब्रह्म अस्त्र। मूर्छित हुए लखन तो वैद्य सुसेन को तुम लाए, सूर्योदय से पहले सजीवन लेकर तुम आए। राम प्रभु ने खुद ही तुम्हारी करी बड़ाई है, लगा किसी ने बोला भरत बराबर भाई है। अजर अमर हुए प्रभु सेवा से आप वीर हनुमान, तेरी शक्ति के बारे में जाने सकल जहां। दुष्ट दलन और भय भंजन तो आप कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, घाटे वाले सब भक्तों के कष्ट मिटाते हैं। हम कथा सुनाते हैं मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार, मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार। कितने ही किस्से मिलते हैं तेरी वीरता के, होगी नहीं बखान कोई एक ही कथा से। राम भक्त हनुमान सदा तुम पूजे जाओगे, कलयुग में भी भक्तों के तुम कष्ट मिटाओगे। हंसराज रिलहन तो अपनी जितनी करे बड़ाई, लगता है कि छोटी सी कथा डीएस पाल ने गाई। धन्य भाग मेरे हो गए बाबा आके तेरे दरबार, चरणों में तेरे चाहे जगहाए फौज सुरेश कुमार। नामुमकिन को मुमकिन बजरंग आप बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, घाटे वाले सब भक्तों के कष्ट मिटाते हैं। हम कथा सुनाते हैं मेहदीपुर के सरकार भक्तों के तारनहार।